आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं क्या है? आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हर जिले में हर शहर में काला दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो धोखाधड़ी कर विधायकों की खरीदी फरोती कर तुलसीराम सिलावट सरीके बिक कर जिन्होंने कमलनाथ जी की जिंदी तैसी सरकार जो चल रही थी उसको षड्यंत्र पूर्वक कर भरत अमित शाह एवं मोदी ने मिलकर और शिवराज सिंह ने मिलकर जो सरकार गिराई और इस 3 माह में भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास का काम किया क्या काम किया उसके विरोध में आज काला दिवस पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। आज यहाँ पर आपके सामने मजीरे बजाए जा रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं और हम रघुपति राघव राजा राम गाना के साथ गाकर ये बताना चाह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान तुम्हारा ये ढोपासला तुम्हारे ये झूठे वादे झूठी सब चीज़ें नहीं चलेगी। सरकार 3 माह से बनी हुई है, एक भी काम नहीं हो रहा है, कोई विकास का काम नहीं हुआ। कोरोना इतनी बड़ी महामारी उसमें भी आप फेल हो गए। दिन पर दिन मध्य प्रदेश में लोग बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की मृत्यु की संख्या बढ़ती जा रही है, कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। आप सब मोर्चे पर फेल हुए हैं, इसके विरोध में जनता परेशान है, आम जनता को खाने के लाले पड़ रहे हैं, गरीब जनता को परेशान हो रहे हैं। बिजली का बिल आप खुद देख लें, कमलनाथ जी की सरकार में 100 रुपये के आते थे, आज 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये के आ रहे हैं। पेट्रोल के भाव डीजल के भाव आसमान पे छू रहे हैं भाई, बड़े दुर्भाग्य की बात है। मध्य प्रदेश में पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है पेट्रोल डीजल पर। यह है शिवराज सिंह की चौहान की सरकार। आम जनता त्रस्त, किसान त्रस्त, व्यापारी त्रस्त, हर चीज़ महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल के आसमान पे भाव, किसानों को अपने मूल्य के दाम नहीं मिलने के उसके के कारण आज ये काला दिवस पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा यहाँ पर मनाया जा रहा है।